हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स इंजीनियर में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। जिसने मेरे से प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखी है जिसमें मैंने हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करके बताया था, वो प्लीज़ देख लीजिए। उसी का आगे का पार्ट था, वहाँ वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने उसको सेकेंड पार्ट बना दिया। ठीक है, तो हमने जो पीछे ड्राइव की थी वो इक्वेशन ऑफ मोशन हैमिल्टोनियन की थी, जो तीन इक्वेशन है हमारी, क्यू के डॉट इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल पी के, माइनस पी के डॉट इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल क्यू के, और माइनस का डेल एच अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी। ये तीन इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ हैमिल्टोनियन इक्वेशन, जिसको हम हैमिल्टोनियन इक्वेशन भी कहते हैं। जिसने जिसको ये ड्राइव करना है वो इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में देख ले, उसे मालूम पड़ जाएगा। तो जो हमारी थर्ड इक्वेशन है, इसी से हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस निकल के आएगा कि फिजिक्स में इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये किस बात को सिग्निफाइड करता है। तो अगर हमारा जो एल है, लैग्रेंजियन है, वो टाइम पर डिपेंड ना करे, ठीक है, जो लैग्रेंजियन होता है अगर वो टाइम पर ही डिपेंड नहीं करता है, तो टाइम के टर्म्स में इसका अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर लैग्रेंजियन टाइम पर डिपेंड नहीं करता तो लैग्रेंजियन का टाइम के टर्म्स में जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। अब अगर डेल एल अपॉन डेल टी जीरो आ गया, उसे अगर हम इस थर्ड इक्वेशन में रखें, यानी कि अगर हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से को देखें एक साथ साथ, तो हमको मालूम पड़ता है कि डेल एच अपॉन डेल टी कितना होता है, जीरो, यानी ये पार्ट जीरो हो गया। तो जब डेल एल अपॉन डेल टी जीरो हो गया तो डेल एच अपॉन डेल टी भी कितना आएगा, यहाँ से जीरो आएगा, तो डेल एच अपॉन डेल टी आपको मिल जाएगा जीरो। ठीक है, तो अगर इसको दोनों साइड एक बार हम इंटीग्रेट करते हैं तो डेल एच अपॉन डेल टी के इंटीग्रेट में इंटीग्रेशन के साइन से डेल अपॉन डेल टी कट जाएगा, बचेगा आपका एच। ठीक है, और जीरो का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो सम कॉन्स्टेंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया एच और जीरो का इंटीग्रेशन हो गया कॉन्स्टेंट। और जो हमारा हैमिल्टोनियन होता है, मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली वीडियो देखना मेरी, उस कंजर्वेशन ऑफ वाली एनर्जी यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली वीडियो में आपको बताया है कि जो हैमिल्टोनियन एच होता है हमारा, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल कैसे होता है, उसको मैंने ड्राइव करके बताया वहाँ पर। ठीक है, तो जो हमारा हैमिल्टोनियन एच है वो आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होता है। तो अगर एच कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी सिस्टम की टोटल एनर्जी, आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम होती है। तो अगर जो हमारे हैमिल्टोनियन कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, यानी कि अगर हमारा जो एल है, ये अगर एल है हमारा टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, तो हमारा एच, एच का मतलब क्या हो गया, टी प्लस वी, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, थैंक यू।